नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थकान के बारे में, जिसे कि हम फटीग भी कहते हैं। तो दोस्तों, थकान जो है, जिसे कि हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं, वो एक ऐसा विकार है जिसका कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। हालांकि यह पहले के किसी इन्फेक्शन से संबंधित हो सकता है और थकान एक ऐसी स्थिति है जो कि 6 महीने या फिर इससे भी अधिक समय के लिए बिना किसी स्पष्टीकरण के मौजूद रहती है और याददाश्त संबंधी या फिर एकाग्रता संबंधी समस्याओं के साथ होती है। 2015 में चिकित्सा संस्थान ने क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लिए एक नया नाम प्रस्तावित किया, जिसका नाम था SEID, यानी कि सिस्टेमिक श्रम असहिष्णुता रोग, यानी कि सिस्टेमिक एक्जर्शन इंटॉलरेंस डिजीज। दोस्तों, थकान के जोखिम कारक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अधिकांश 40 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को होती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में करीब 12 गुना अधिक होती है। थकान का निदान 5 से 6 लक्षण के निदान से होता है और इसका अपना कोई निश्चित परीक्षण नहीं होता। थकान का कोई उपचार नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों का उपचार किया जाता है और इससे ग्रस्त लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, बात की जाए भारत में इस थकान की समस्या के प्रचलन की, तो भारत में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हजारों लोगों को प्रभावित करता है और यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक प्रचलित है। और एक भारतीय स्टडी के मुताबिक 12% भारतीय महिलाओं को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होने का अनुमान लगाया गया है और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम शुरू होने की औसत उम्र 30 से 40 वर्ष है और यह कम आय वर्ग के लोगों में भी अधिक आम होता है। उसके बाद दोस्तों, अब हम जानेंगे कि थकान के क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, थकान या फिर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लक्षण आमतौर पर अचानक शुरू होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यह धीरे धीरे हफ्तों में या फिर महीनों में विकसित हो सकते हैं और इसके लक्षण प्रतिदिन बदल सकते हैं और उनका आना जाना हो सकता है। थकान के बहुत लक्षण होते हैं, लेकिन हर किसी को प्रभावित करने वाले कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक शारीरिक थकान होना, मानसिक थकान होना या फिर दोनों ही होना, और यह स्थिर हो सकते हैं या फिर बार बार इनका आना जाना भी हो सकता है और यह आराम से ठीक नहीं होते हैं। थकान इतनी गंभीर भी हो सकती है कि यह आपके दिनचर्या के काम और सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे। कुछ काम करने के बाद अस्वस्थ महसूस करना, नींद की समस्याएं होना, अलग अलग या फिर एक ही जगह पर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना और सिरदर्द भी देखने को मिल सकता है। थकान से ग्रस्त व्यक्ति को कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि एकाग्रता, याददाश्त की समस्या या फिर सही शब्द सोच पाने में समस्याएं, प्रकाश, शोर या फिर भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होना, भ्रम, सोचने की क्षमता में विलंब या फिर गुमराह महसूस करना, साथ ही साथ मांसपेशियों की कमजोरी या फिर समन्वय की समस्याएं होना। थकान के अलग अलग लोगों में विभिन्न लक्षणों के संयोजन होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, दिल की धड़कन में तेजी या फिर काम करते समय सांस की तकलीफ होना, ज्यादा पेशाब आना, मटली या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना, शरीर के तापमान में गिरावट आना, हाथों का ठंडा होना और पैरों में पसीना आना, तनाव के दौरान बुरा महसूस करना, वजन में या फिर भूख लगने में बदलाव होना और साथ ही साथ थकान के साथ अवसाद होना भी आम बात है और इससे थकान के लक्षण बदतर हो सकते हैं। तो थकान से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि कई अन्य बीमारियों के समान है, विशेष रूप से शुरुआती दिनों में ऐसे लक्षण होते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि थकान जो है वो क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, सालों के स्टडी के बाद भी थकान का कोई ज्ञात कारण आज तक शोधकर्ताओं को नहीं मिल पाया है। हालांकि लोगों में थकान के साथ कई बीमारियां देखी गई हैं, लेकिन इसके विकास के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रोग नियंत्रण केंद्र से पता चलता है कि शोधकर्ता अभी भी थकान के कारणों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टडी किए गए कुछ कारकों की अगर हम बात करें, उसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वायरल इन्फेक्शन की। तो कुछ लोगों को वायरल इन्फेक्शन होने के बाद थकान होती है और इसीलिए शोधकर्ता इसे भी उन कारकों में से मानते हैं जिनसे कि उनको थकान हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि एप्स्टीन-बार वायरस, ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 और माउस ल्यूकेमिया वायरस थकान के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, बात की जाए प्रतिरक्षा प्रणाली की कुछ समस्याओं की, तो थकान से ग्रस्त लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कारण थकान होने के लिए पर्याप्त है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, बात की जाए हार्मोन असंतुलन की, तो थकान से ग्रस्त लोगों को कभी कभी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि में उत्पन्न हार्मोन के असामान्य रक्त स्तरों का अनुभव होता है, लेकिन इन असामान्यताओं का कारण अभी अज्ञात है।
और दोस्तों बात की जाए थकान के जोखिम कारकों की, मतलब कि ऐसे कौन से जोखिम कारक है जो थकान को बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों बात की जाए आयु की, तो थकान किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यह सबसे सामान्य रूप से 40 और 50 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। बात करें दोस्तों लिंग की, तो महिलाओं को पुरुष के मुकाबले थकान ज़्यादा होती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि महिलाएं अपने लक्षणों के लिए डॉक्टर के पास अधिक जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों तनाव की बात करें तो तनाव के कारण भी थकान हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि थकान से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों वर्तमान में थकान के स्पष्ट कारण ज्ञात न होने के कारण इसकी रोकथाम के तरीके भी नहीं मिल पाए। हालांकि चिकित्सक जो है इससे बचने के लिए कुछ जीवन शैली के बदलाव करने का सुझाव देते हैं, जैसे कि तनाव को कम करें, अति आवश्यकता और भावनात्मक तनाव से बचने या उसे सीमित करने की योजना बनाएं और प्रत्येक दिन में कुछ समय आराम करें, नींद की आदतों में सुधार करें, प्रत्येक दिन एक ही समय पर सोएं और उठें और कैफीन शराब और निकोटीन न लेने का प्रयास करें। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए गतिक्रम बनाए रखने की, तो अपनी गतिविधियों का एक स्तर बनाए रखें, बहुत अधिक गतिविधियों के कारण आपको थकान हो सकती है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि थकान का निदान किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों थकान का निदान करने के लिए कोई परीक्षण नहीं है, इसका निदान करने से पहले आपके डॉक्टर कई अन्य बीमारियों का परीक्षण करेंगे। जैसे कि बात करें दोस्तों नींद के विकार की, तो नींद के विकारों के कारण गंभीर थकान हो सकती है और नींद के परीक्षण यह निर्धारित कर सकते हैं कि बाकी विकारों जैसे कि स्लीप एपनिया, पैरों में बेचैनी महसूस होना या फिर अनिद्रा के कारण आपकी नींद में समस्याएं तो नहीं आ रही। साथ ही साथ दोस्तों चिकित्सा समस्या की बात की जाए तो थकान जो है वो कई चिकित्सा स्थितियों में एक सामान्य लक्षण होता है, जैसे कि एनीमिया, डायबिटीज और हाइपोथायरॉयडिज्म में। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं की, तो थकान जो है वो कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि अवसाद, बाइपोलर विकार और स्किज़ोफ्रेनिया का भी लक्षण हो सकता है। इसके बाद दोस्तों एक सलाहकार यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि क्या इनमें से किसी एक समस्या से आपको थकान हो रही है या फिर नहीं। आपके डॉक्टर कुछ और भी परीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि थकावट के अन्य कारणों को हटाकर परीक्षण करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि थायराइड, एड्रिनल ग्रंथि और लीवर के टेस्ट का उपयोग उन विकारों को हटाने के लिए किया जाता है जो कि थकान का कारण हो सकते हैं। थकान से ग्रस्त लोगों में इन परीक्षणों के परिणाम सामान्य होने चाहिए। और दोस्तों बात की जाए रक्त परीक्षण की, तो थकान से ग्रस्त लोगों के लिए सबसे तर्कयुक्त परीक्षण है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट परीक्षण, यानी कि ESR, यानी कि गैर थक्कों वाले रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का माप, जो कि सूजन की अनुपस्थिति को दिखाता है। यदि ESR उच्च या फिर सामान्य श्रेणी से ज़्यादा है तो एक अन्य निदान की आवश्यकता हो सकती है। अगर रक्त परीक्षणों में कोई अन्य असामान्यताएं आती हैं तो आपके डॉक्टर दूसरी परिस्थितियों के लिए परीक्षण शुरू करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एंटीबॉडी परीक्षण की, तो आपके डॉक्टर आपको पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था या नहीं ये देखने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण भी कर सकते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि थकान का जो इलाज है वो क्या होता है। तो दोस्तों बात की जाए दवाओं की, तो थकान कई अलग अलग तरीकों से लोगों को प्रभावित करती है और इसीलिए आपका उपचार आपके विशेष लक्षणों के अनुसार होगा। लक्षणों से राहत के लिए कुछ दवाएं उपयोग की जा सकती है। जैसे दोस्तों बात की जाए एंटी डिप्रेशन दवाओं की, तो बहुत से लोग जो थकान से ग्रस्त होते हैं उन्हें अवसाद भी होता है और अवसाद का इलाज करने से आपके लिए थकान से जुड़ी समस्याओं का सामना करना आसान हो सकता है। कुछ एंटी डिप्रेशन की कम खुराक नींद में सुधार और दर्द को दूर करने में मदद कर सकती है। और दोस्तों बात की जाए नींद की गोलियों की, तो यदि घरेलू उपाय जैसे कि कैफीन न लेना आपको रात में बेहतर आराम पाने में सहायता नहीं करते हैं तो आपके डॉक्टर आपको नींद की गोलियां भी दे सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए थेरेपी की, तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे गतिक्रम बनाए रखने की, तो अपनी गतिविधियों का एक स्तर बनाए रखें, बहुत अधिक गतिविधियों के कारण आपको थकान हो सकती है। और दोस्तों बात की जाए क्रमिक व्यायाम की, तो दैनिक गतिविधि को सुधारने के लिए एक क्रमिक व्यायाम प्रभावी और सुरक्षित उपचार है। एक थेरेपिस्ट जो है यह निर्धारित करने में सहायता कर सकता है कि किस प्रकार के व्यायाम आपके लिए सर्वोत्तम होते हैं। धीरे धीरे व्यायाम करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है और यदि आप व्यायाम करने के अगले दिन थका हुआ महसूस करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं। आपकी ताकत और सहनशीलता में धीरे धीरे सुधार होगा क्योंकि आप समय के साथ धीरे धीरे अपने अभ्यास की तीव्रता में वृद्धि करेंगे। और दोस्तों बात की जाए मानसिक परामर्श की, तो एक सलाहकार से बात करने से आपको कुछ थकान से जुड़ी समस्याओं का सामना करने में मदद मिल सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि थकान से और क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या क्या जटिलताएं होती है, तो उसमें दोस्तों उसमें अवसाद या डिप्रेशन, सामाजिक अलगाव, जीवन शैली प्रतिबंध रोग और साथ ही साथ काम की अनुपस्थिति जैसी कुछ समस्याएं हो सकती है।
अब हम दोस्तों जानेंगे कि थकान में आपको किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों बात की जाए कैफ़ीन की, तो कैफ़ीन जो है वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। यह आपको ऊर्जा ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो कुछ लोगों के लिए कैफ़ीन की एक छोटी मात्रा ठीक हो सकती है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा न लें और सुनिश्चित करें कि कैफ़ीन का सेवन आपकी नींद को प्रभावित ना करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए संसाधित खाद्य पदार्थों की, तो भारी मात्रा में संसाधित में खाद्य पदार्थों में आमतौर पर दूसरे पदार्थों की तुलना में कम पोषक तत्व होते हैं। अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पौधों, फलों, सब्जियों और साबुत अनाज पर निर्भर रहें। बात की जाए दोस्तों चीनी की, तो चीनी अस्थायी रूप से आपकी ऊर्जा में वृद्धि कर सकती है, लेकिन बाद में आपकी थकावट को बढ़ा सकती है। और दोस्तों बात की जाए ज़्यादा परिश्रम से बचने की, तो जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो ज़्यादा परिश्रम करने से थकान से ग्रस्त लोगों को फिर से अस्वस्थ महसूस हो सकता है। और दोस्तों बात की जाए तनाव को कम करने की, तो तनाव में रहने से ऊर्जा में कमी आ सकती है और थकान हो सकती है। और बात की जाए दोस्तों मोटापे की, तो मोटापे के कारण भी थकान हो सकती है और इसीलिए इसे संतुलन में रखने के लिए नियमित व्यायाम आपको करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।